एक बार पढ़ के सुना दो ना। हाँ तो कहाँ भूल जाऊँ, पढ़ के सुना दो एक बार। अभी आ रहा हूँ। क्या श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रति एफ आई आर संख्या 132/2024 में दर्ज प्रकरण में उचित पारा अधिकृत मुंशीमान को जल्द गिरफ्तार करने और पूरी पीड़ित परिवार को भू मुआवजा के महोदय निम्न ज्ञापन प्रेषित कर निवेदन है कि 2024 में शकुंतला शर्मा व उसके परिवार के सदस्यों और अन्य समाज के व्यक्तियों के साथ मारपीट कर दी, जिस पर तत्काल पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा कराकर थाना परेरा में FIR नंबर 132/2024 दर्ज कराया गया। ये कि अभी तक प्रकरण में थाना परेरा द्वारा सक्षम कार्रवाई नहीं की, ना ही मुलजिमान को पकड़ा है। मुलजिमान वो माफिया है, उन्हें कोई बड़ी वारदात परिवार के साथ गद्दा कायज कर सकते हैं। साथ ही थाना तालेगा पुलिस द्वारा जो प्रकरण दर्ज किया है उसके तथ्यों के अनुसार सही धाराओं का अंकन नहीं किया, उसका अंकन भी FIR में किया जाना अत्यावश्यक है। अभी तक सक्षम कार्रवाई नहीं होने पर ब्राह्मण समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। यह कि मुलजिमान द्वारा लगातार पीड़ित परिवार व्यक्तियों को धमकियाँ दी जा रही है, यदि पीड़ित परिवार है उनको साफ करने वाले है उसके लिए मुलजिमान जिम्मेदार होगा। अतः श्री मान को ब्राह्मण समाज अत्याचार, ब्राह्मण समाज अत्याचार, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, ब्राह्मण समाज अत्याचार। उधर से जाओ मैडम, उधर से तो प्रभावशाली लोग हैं, वो मामले हैं आदि तरह अपराधी, उन लोगों ने हमारे परिवार के साथ में मार दिया। ये सर अभी तक तो कोई जातिगत आधार पर नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर धीरे धीरे तत्काल प्रभाव से अपन इस पर उचित कार्रवाई करें और दोषियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है उसको खतरे बर्दाश्त किया जाएगा।
समाज के साथ है, एक टांग पे खड़े हैं, जब भी जरूरत होगी हमें इसी तरह एकता का परिचय देना है। जरूर। आज किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? उनकी माताजी के साथ जिस प्रकार से 3 दिन पहले मारपीट हुई और जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, पूरे ब्राह्मण समाज में इसका रोष है, इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग थे, किस क्या क्या घटना हुई, किस प्रकार, थोड़ा विस्तार बताएं। ये अपने कुछ जगह पे गए थे, उन्होंने जबरदस्ती इकट्ठे के 20-25 जने आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते मारपीट करी इनके साथ, इनके माता जी के साथ भी मारपीट करी। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हाँ, कोई पुरानी रंजिश थी या कोई घटनाक्रम अपराधी पर दिया गया? अपराधी लोग हैं जी। आपका नाम बता दो। विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ सर, ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है बताइए थोड़ा। हाँ, ये रघु शर्मा, इनके पिताजी, माताजी और परिवार के साथ कुछ भू माफियाओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की। उसी सिलसिले में 19 तारीख पर मुकदमा दर्ज तालेड़ा थाने में करवाया था, लेकिन आज 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी भू माफियाओं को या तो कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है या कोई उनकी ऊँची पहुँच है, इसलिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सभी समाज बंधुओं में बहुत आक्रोश है और हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस तरह के अपराधिक लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया माननीय ADM साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि तत्काल प्रभाव से इसमें मामले में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। आपका नाम बताएं? सत्येश शर्मा। मामला हो गया मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर, जो हमारे सिस्टर की जमीन थी वहाँ पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने की नीयत से वहाँ पर आकर JCB चलाने की कोशिश की और वो लोग कम से कम 20-25 लोग इकट्ठे जो के आए थे, हथियार लेस थे, आकर सीधा उन्होंने हम लोगों के ऊपर प्रहार शुरू कर दिया। किन के चोट है, किसी के चोटें लगी? किसी की? मम्मी के, मम्मी हमारी भीलवाड़ा दिखाने भेजा हुआ है, उनको चोट आई है। मुझे ये 4 दिन हो गए, मेरा ये सूजा हुआ था और ये चोट के निशान भी है और मेरे चाचा जी को भी लकड़ी से लगी हुई है। ये पहली बार ही हमला हुआ है, इससे पहले भी उन्हें प्रयास किया? पहली बार ही हमला हुआ, बाकी आगे खतरा है, अभी भी उनके लोग बैठे हुए हैं इकट्ठा, उनके घर पे लगभग काफ़ी सारे इधर उधर से लोग आकर इकट्ठा हो रखे हैं। आपकी जमीन पे कब्जा करने का प्रयास था उनका? प्रयास। आपका नाम बता दो। रघु शर्मा।